दोस्तों, मैंने कोटक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और ये मैंने 4 महीने यूज़ किया था, तो मुझे एक ऑफ़र मिला कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा देखिए कोटक का 811 का डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है, जो FD के अगेंस्ट मैंने इसको लिया था और मैंने 15,000 रुपये का FD किया था। मुझे इस कार्ड में 12,000 रुपये का लिमिट मिला था और मुझे 3-4 महीने जैसे मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे कार्ड का ऑफ़र बढ़ाने का लिमिट 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 बढ़ाने का ऑफर आ गया। तो मैंने इसमें अपने कार्ड का लिमिट बढ़ा दिया 36,000, यानी 36,000 का ऑफर आया और मैंने इस कार्ड के लिमिट को बढ़ा दिया। आज की वीडियो में आपको फिर बताऊंगा, फिर मुझे लिमिट बढ़ाने का ऑफर आया है, क्यों मुझे बार बार लिमिट बढ़ाने का ऑफर आ रहा है, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा और लाइव मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे फिर ऑफर मिला हुआ है यहाँ पे लिमिट बढ़ाने का, कि 60,000 रुपये का लिमिट बढ़ाने का ऑफर आया, यानी 36,000 था, फिर मुझे 60,000 रुपये का लिमिट बढ़ाने का ऑफर आ चुका है। तो आज की वीडियो में आपको फुल प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे बिना FD किए हुए, बिना कोई, हमने FD 12,000-15,000 रुपये का ही किया था, लेकिन मुझे लिमिट बढ़ाने का ऑफर आता जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिमिट को बढ़ाना है और मुझे कैसे ऑफर ये मिल रहा है, तो पूरा चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर करके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा कि इसमें कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि 2 तरीका मैंने यूज किया है, ये मुझे बार बार हर महीने, देखिए मैं आपको यहाँ पर साइड में दिखा दे रहा हूँ कि मैंने 1 महीना पहले वीडियो बनाया था कि जब मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट था 12,000 रुपये, अब मुझे फिर ऑफर मिला था तो मैंने इसको 36,000 लिमिट बढ़ाया, फिर मुझे मैसेज आ चुका है, फिर मेरे को ऑफर मिल रहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 60,000 रुपये कर दीजिए। यानी मैंने FD किया था 15,000 रुपये का ही, लेकिन मुझे ऑफर पे ऑफर आया जा रहा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को इंक्रीज कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मुझे बार बार ऑफर आ रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत कमाल का होने वाला, ध्यान से अगर आप भी देखते हैं, अगर आपके पास भी कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो इजीली आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाएंगे, जो मुझे ऑफर मिला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको साइड में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे मैसेज आया था, यहाँ पे कोटक महिंद्रा से मैसेज आया हुआ है। यहाँ पे ये देखिए मुझे 21 जनवरी को ये मैसेज आया था कि यहाँ पे इंजॉय यू एन इंक्रीज क्रेडिट लिमिट ऑफ 60,000 योर कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में ये ऑफर आ चुका है, ये वैलिड है 31/1/2023, लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन 2 तरीका मैंने फिर दोबारा यूज किया और फिर मुझे ऑफर आया, मैंने 60,000, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको लाइव पहले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैसेज आया हुआ है, इस मैसेज से आप जा करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशंस का भी है, आप कोटक महिंद्रा बैंक का एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप अभी आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि ऑलरेडी अप्लाई, यानी आपने ऑफर को अप्लाई कर लिया है, तो यहाँ से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया तो उन्होंने बोला कि आप नेट बैंकिंग से या मोबाइल बैंकिंग से ऑफर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको एक मैसेज आया होगा इस लिंक पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप यहाँ पे SMS कर सकते हैं, लिमिट 256667888 पे आपको सेंड कर देना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो आपका लिमिट ऑटोमेटिक इंक्रीज होकर के 60,000 रुपये हो जाएगा। तो मैं आपको लिंक के माध्यम से दिखाऊंगा, यहाँ पे मुझे मैसेज आया हुआ, तो यहाँ पे एक लिंक है, इसी लिंक पर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, तो इसी लिंक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये जैसे क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट करके आपको क्या करेगा, कोटक महिंद्रा के एक ऑफिशियल पेज पर जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक OTP मांगेगा, तो जो भी मोबाइल नंबर आपके कोटक महिंद्रा के क्रेडिट कार्ड से लिंक होगा, यहाँ पे एक OTP जाएगा 6 अंक का, तो यह OTP आपको यहाँ पे सिंपल सा डाल देना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा OTP डालना है, डालने के बाद यहाँ पे सबमिट का बटन मिलेगा, इसी सबमिट वाले बटन पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे थैंक यू रिसीव योर रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखिए एक मैसेज आपको मिल जाएगा, यू हैव रिसीव योर रिक्वेस्ट, योर क्रेडिट लिमिट विल बी इंक्रीज इन 4 वर्किंग डेज। यहाँ पे लिखा हुआ साफ तौर पे कि आपका जो क्रेडिट इंक्रीज है वो 4 दिन का टाइम लगता है ये आपको रिक्वेस्ट होने में, तो आपको वेट करना है, तो यहाँ पे आपका जो लिमिट होगा वो 4,000 रुपये इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा और वेट करने के बाद मैं आपको दिखा दूँगा, यहाँ पे जो मेरा लिमिट है आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था
कि जो मेरा लिमिट है 36,000 रुपये था, अब मैं 4 घंटा वेट कर लिया हूँ, और वेट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लिमिट है यहाँ पे इंक्रीज होकर के 60,000 रुपये हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को क्या कर सकते हैं, ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कौन सा दो तरीका है जिसको यूज करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज करेंगे? देखिए, मैंने दो ही तरीका यूज किया था। मैंने इसको 4 महीने पहले इस कार्ड को अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद 4 महीने के बाद मुझे इंक्रीज का ऑफर आया। 12,000 का मेरा कार्ड का लिमिट था और 36,000 का लिमिट आया। फिर 1 महीने बाद मुझे 60,000 का लिमिट गया। यानी दो बार जब से कार्ड मैंने लिया हूँ, मुझे दो बार हर महीने मुझे ऑफर आ रहा है ये कार्ड लिमिट इंक्रीज़ करने का। आप दो तरीका मैं आपको बताऊंगा, अगर दो तरीका आप यूज़ करेंगे तो ईजिली आपका भी ऑफर मिल सकता है, और आप भी अपने क्रेडिट कार्ड के कोई भी ब्रांड का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इजीली आपको ऑफर आ सकता है। देखिए, सबसे पहला क्या करिए, कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लीजिए तो उसको लेने के बाद ये मत समझ लीजिए कि वह कार्ड फ्री है, ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। आप इस कार्ड को समझ सकते हैं कोटक का 81 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर इस कार्ड को आप ले रहे हैं और ले करके इसको रख देंगे तो आपको कभी भी बैंक ऑफर नहीं देगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज करिए, कभी भी ऑफर नहीं देगा। आप इस कार्ड को यूज करिए, अगर आप इस कार्ड को यूज करेंगे, जितना यूज करेंगे उतना बैंक की नज़र में आप एक एक्टिव कस्टमर गिने जाएंगे। अगर आप एक्टिव कस्टमर गिने जाएंगे तो आपको बैंक के नज़र में लगेगा कि हाँ, ये बंदा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है और यूटिलाइज कर रहा है। यानी आपको क्या करना है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है और एक बिल जनरेट करना है, और बिल को टाइमली पेमेंट करना है। सबसे बड़ी बात है, बिल जनरेट हो जाए तो आप उसमें डिले मत करिए, टाइम टू टाइम 1-2 दिन पहले इसका पेमेंट कर दीजिए। इसमें बिल जनरेट होता है, 50 दिन का आपको टाइम मिलता है, 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री रहता है, 50 दिन के अंदर आप इसको करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो सिंपल सा आपको टाइमली पेमेंट करना है, और आपको हर महीने एक बिल जनरेट करना है। ये नहीं कि आपने कार्ड लिया और कार्ड को ले करके बस इसको रख दिया, अब आपको बैंक ऑफर देगा, बैंक कभी भी ऑफर नहीं देगा। आप अगर कार्ड को यूज करते हैं और एक बिल जनरेट करते हैं और उस कार्ड के टाइमली पेमेंट करते हैं जो भी ड्यू डेट से पहले, तो आपको बैंक क्या करेगा, ऑफ़र देगा, और आपके कार्ड का जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज करने का ऑफ़र देगा। क्योंकि बैंक चाहता है कि आपसे पैसा कमाना, आपसे आपको जितना ज़्यादा लिमिट देगा, आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, कभी ना कभी तो गलती करोगे, और जब गलती करोगे तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो बैंक का इसमें फ़ायदा है, इसलिए आपको ऑफ़र देगा। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज करना है तो। एक सिंपल सा ये आपको रास्ता मैंने बताया, दो तरीका, आप बिल जनरेट करो, बिल को टाइमली पेमेंट करो, कोई भी बिल जनरेट हो तो उसको बस बिल जनरेट करना है, यानी अपने कार्ड को एक्टिव रखना है, कार्ड यूज करना है, यूज करने के बाद एक बिल जनरेट करना है और उसको टाइमली पेमेंट करना है। बस मैंने यही काम किया है, 4 महीने मैं कहीं ना कहीं जा करके बिल जनरेट करता था और कार्ड का पेमेंट टाइमली करता था, बस मुझे ऑफ़र पे ऑफ़र मिलता जा रहा है। हो सकता है अगले महीने फिर मुझे ऑफ़र मिले, अभी कोई कंफर्म नहीं होगा। जैसे कोई भी ऑफ़र आएगा तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं आपको लाता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे कोई भी आपके मन में क्वायरी होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।